सारा घंटा बजा दिया मेरा घंटा, बाबर आजम अपनी टीम लेके तबाह हुए पाकिस्तान, क्योंकि हम ठोकर ठकाई करवा के वापिस आ चुके हैं। लानत है ऐसी टीम के ऊपर, चार चौथी लगातार हार मिली आपको वर्ल्ड कप में, तो पकड़ तो शर्म कर लो थोड़ी सी। खत्म हो चुका है पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, और मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है कि भाई मैं अपनी फीलिंग जो है आपके साथ बयान करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस टाइम कि मैं अपनी फीलिंग आपके साथ बयान करूं कि भाई क्या हुआ आज के मैच में और किस तरह से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग से लास्ट के जो है वो 8 ओवर्स में 2 खिलाड़ी आउट नहीं करने हुए। साउथ अफ्रीका से बुरी तरह पाकिस्तान हारने के बाद, वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद गुस्सा में पाक मीडिया। जिस तरह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बुरी हार मिली है उसे देखकर पाक मीडिया गुस्सा में नजर आ रही है। देखे वीडियो तो शर्म कर लो थोड़ी सी, कब अच्छी क्रिकेट खेलोगे? मेरे घंटे का किंग, ये जो मेरे घंटे का किंग है, ये जो मेरे घंटे का किंग है, मेरे इतना कोई फारक किस्म का ये कप्तान है, इतना कोई फारक किस्म का कप्तान है, इसको ये नहीं पता कि स्लिप भी लगानी होती है। ये मेरे घंटे का किंग है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। पकड़ के ना एडम मार्करम ने डंडा दे दिया है, डेविड मिलर ने डंडा दे दिया है, साउथ अफ्रीका ने डंडा दे दिया इनके अंदर। ये घंटे का बच्चा, इन्होंने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ, अपनी मर्जी के ये बंदे लेके गए हैं और ठुकवा दिया हमें, हरवा दिया हमें, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान टीम का। तुम यार इनकी अब्बे की टीम है ये, मुझे बताओ इनकी अब्बे की टीम है। हम लोग पागल के बच्चे हैं ना, इनको सपोर्ट करने बैठ जाते हैं, हम लोग बगैरत है जो हम इनको सपोर्ट करने बैठ जाते हैं कि ये जीतेंगे जीतेंगे। मतलब शर्म नहीं मेरा, मेरा मीट तो मैंने आई फिर उम्मीद लगा ली थी इनसे यार, तब दिमाग खराब कर दिया यार इन्होंने मेरा। इंडिया ने आपको फेल दिया, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने घंटा बजा दिया, आज साउथ अफ्रीका ने पकड़ के निकाल रंबू लगा दिया। साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि घंटे के किंग तेरी औकात नहीं है हमारे आगे आने की। 270 पे पहले उन्होंने ऑल आउट किया, ये घंटा अपने 50 करके दफा हो गया है। वो रिजवान उससे ट्विटर करवा लो बैठ के, रन तो वो करेगा नहीं। साउथ शकील अपने 50 किए ताकि मैं वर्ल्ड कप के बाद भी टीम में खेल सकूं। ना बॉलिंग अच्छी, ना बैटिंग, ना आपसे स्पिनर खेले जाते हैं, ना आपसे फास्ट बॉलर खेले जाते हैं, ना आपके स्पिनर अच्छी बॉलिंग करते हैं, ना आपके फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं। यार मेरा तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, 2023 के वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का घंटा बच गया है। ये और बनाओ मेरे घंटे का कप्तान, ये मेरे घंटे का और कप्तान बनाओ। क्या करूं यार मैं, 270 कर रहे हो और कोई इंटेंट कोई अप्रोच कुछ नहीं नजर आ रहा। पकड़ के घंटा बजा दिया, ये है मेरा घंटा, जी फॉर घंटा, जी फॉर घंटा, ये है के फॉर किंग, ये है क्रिकेट का किंग, और ये मेरा घंटा है, जी फॉर घंटा। और ये इतना कोई किसे लुल्लर, किसे को ठुल्लर किस्म का, ऐसे को फुद्दर किस्म की ये टीम है। इनमें बुगज नफरतें हैं, मैंने कप्तान बनना है। गुस्सा दिया आपके अंदर, आज पट गया आपके अंदर साउथ अफ्रीका, उनने आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। शर्म कर लो, शर्म कर लो, दिल साफ कर लो अपने दिल। ये आपकी की हुई बगैरतियां आपके आगे आ रही है, लोगों के कैरियर तबाह किया इस घंटे ने, मोहम्मद आमिर इमाद हुसैन को जान के इस बाबर आजम घंटे ने, ये मेरे घंटे के किंग ने, ये मेरे घंटे ने, ये मेरा घंटा है, ये घंटा है, ये ऑफिशियली इंटरनेशनल घंटा है। इसने कैरियर तबाह किए लोगों के, रियातियां की। क्या क्या कप्तान है ये, क्या ये कप्तान है? और इसको ये ही नहीं पता क्या वो चौथे स्तंभ पे बॉल कर रहा है, मैं स्लिप ले लूं। अजीब को ठुल्लड़ पता नहीं फुद्दड़ किस्म का ये टीम है यार, बड़ा गर्क करा दिया पूरे वर्ल्ड कप का। चार मैच रहते ही ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मतलब यार क्या बैक करूं इनको मैं, मुझे बताओ ना यार, हार गए हो, सांस मिल गई है, आओ आप उस घंटे को बैंस बाहर आओ, आओ मेरे मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का बैंस आप बाहर आओ, आप बोलो कि ये मेरा घंटा है, अब बोलो ये किंग है। पता चल गया, मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये घंटा है, ये बड़े टूर्नामेंट का एक्सपोज होगा, चौथा बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें ये घंटा एक्सपोज हुआ है। अच्छा, ये आपको जीतना था, जीत के आपको आना था, क्योंकि यहाँ पर हारने के अलावा जीतने के अलावा आपके पास कुछ चारा ही नहीं था। जीतो या हारो वही बात होती, लेकिन बात जीतने से आप जो है सीधा आगे जाते हैं। अब हार गए आप, आगे बोलेंगे बहुत सारे, जी पाकिस्तान ने फाइट कर लिया, तालियां हो जाए। और नहीं भाई, ऐसी तालियां नहीं चाहिए। इन चीजों के लिए हम जो है तकरीबन जो 5 मंथ से कहते हुए आ रहे थे, अबे टीम से ही बना लो, कोई क्वालिटी स्पिनर खिला लो। नहीं खिलाना है, बाबर आजम जिद भी अड़ा हुआ था, नहीं जी मैंने अपने दोस्त खिलाने, मैंने अपने यार खिलाने। लो खिला लिए दोस्त यार अपने, सारे के सारे निकम्मे, जो 17 वाइट बॉलें दे दी, 21 जो है एक्स्ट्रा के स्कोर दे दिए, 4 स्कोर चाहिए तो उल्लू का पट्टा जो वाइट बॉल फेंक रहा है, आराम से उसने ये किया और चौका हो गया। और ये जो है वो वर्ल्ड कप जीतने की बातें कर रहे थे, शुक्र आज बाहर हो गए यार।
जिस तरह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गई उसे देखकर पाक मीडिया बोल रही पाकिस्तान ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, बाबर आजम ने नैया डुबा डाला है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है।